भूषण ज्वेलर्स। भाजपा हाईकमान द्वारा राकेश चौधरी को टिकट देने से नाराज भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन नेहरिया ने नामांकन के आखिरी दिन मंगलवार को आजाद प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले विपिन नेहरिया के समर्थक धर्मशाला के पुलिस मैदान में इकट्ठे हुए और पुलिस मैदान से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली। इस रैली के दौरान विपिन नेहरिया ने अपनी शक्ति प्रदर्शन कर भाजपा प्रत्याशी राकेश चौधरी की नींद भी हराम कर दी। विपिन नेहरिया ने कहा कि वह चुनाव को जिस तरह से लड़ा जाता है उसी तरह से वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि धर्मशाला की जनता का सहयोग उन्हें मिल रहा है, निश्चित रूप से वह विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि जितनी भी समितियां या जितने भी कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हैं उन सभी की आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने धर्मशाला की जनता से अपील करते हुए कहा कि धर्मशाला की प्रबुद्ध जनता सही विकल्प को चुने और सभी प्रत्याशी को देखकर और सोच समझकर अपना मतदान करें। उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने आजाद प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, इसके उपरांत एक कोर कमेटी का गठन किया जाएगा। उस कोर कमेटी में बैठकर ये तय किया जाएगा कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आज धर्मशाला में अधूरे हैं, उन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर लोगों के बीच में जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का बहुत बड़ा संगठन है लेकिन टिकट आवंटन को लेकर जो धर्मशाला में हुआ है उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि धर्मशाला में भाजपा का संगठन गायब है। उन्होंने कहा कि संगठन की बात तब की जा सकती है जब संगठन भी कार्यकर्ताओं की बात को सुने और समझे। उन्होंने कहा कि वह वर्ष 2004 से भाजपा पार्टी के साथ जुड़े थे, तब से लेकर अभी तक पार्टी का ही काम किया है, फिर किस लिए भाजपा संगठन ने एक बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया जिसका सभी लोग विरोध कर रहे हैं। मेरी रणनीति रहेगी कि सबसे पहले चुनाव को जिस तरह लड़ा जाता है उस तरह लड़े और जितनी भी समितियां और जितने भी कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ेंगे हम सभी को काम में लगाएंगे और धर्मशाला विधानसभा से आजाद प्रत्याशी के रूप में मैं नामांकन भरने जा रहा हूं और निश्चित तौर पर मैं अपने जो लक्ष्य है मेरा जो लक्ष्य है जिस चीज़ के लिए हम खड़े हुए हैं उसको पूर्ण करने के लिए जनता का सहयोग और जनता का आशीर्वाद मैं धर्मशाला की प्रबुद्ध जनता को मैं नमन करता हूँ। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप सही चुने, सही विकल्प चुने, सभी के बारे में सोच समझ के वोट दें और कंपैरिजन करें कि कौन कहाँ है, कौन कहाँ है और किसने क्या किया है। अभी हम आजाद प्रत्याशी के रूप में नामांकन भर रहे हैं, हमारी एक कोर कमेटी बनेगी, जब हम बैठेंगे तो हम बहुत से मुद्दे धर्मशाला के लिए बहुत से मुद्दे मेमोरेंडम अपना बनाएंगे और जो आपके बीच में जरूर बताएंगे। धन्यवाद। भाजपा एक बहुत बड़ा संगठन है लेकिन जो धर्मशाला में हुआ है आपने देखा कहाँ है संगठन, आपने खुद देखा है। संगठन की बात तब कर सकते हैं हम जब संगठन की बात सुनी जाए, जब संगठन की बात नहीं सुनी जाए तो बहुत दुख होता है। 2004 से हम लगे हुए, मैं नहीं लगा, कई लोग लगे हुए, आपने देखा होगा कितने लोग और एक से बढ़कर एक भी हो सकते हैं, लेकिन क्यों हमें ऐसा चुनना पड़ा कि आज पूरा मंडल विरोध कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।